हाई स्ट्रीट किस साइड होगी? हाई स्ट्रीट सीधा राइट। ओके थैंक यू। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है फिर से एक और व्लॉग में। और तो आई होप लास्ट व्लॉग में आपको मज़ा आया होगा साइट सीइंग वाली वीडियो में। तो मैं भी निकला हूँ यहाँ से, यहाँ की नाइट लाइफ देखने के लिए। तो शाम के बज रहे हैं 8:30। लाइक से हाई स्ट्रीट कहते हैं। तो अभी मैं सोच रहा हूँ इधर एक्सप्लोर करता हूँ और देखते हैं रात का थोड़ा सा कैसा रहता है। दिन में वाइब्स अलग आती हैं। रात में सब कुछ ही एक झटके में चेंज हो जाता है। तो मैं अभी क्या करूँगा ना, मैं जस्ट कैफेज एक्सप्लोर करूँगा, ऐसे ही देखूँगा क्योंकि आज फुटबॉल मैच है ना, फर्स्ट सऊदी अरेबिया और न्यूजीलैंड का। तो आज भीड़ बहुत लग रही है कैफ़े वगैरह में, टीवी चली हुई है, यहाँ पे फुटबॉल का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। और ये स्ट्रीट्स हैं यहाँ की, आई लव इट यार। यहाँ पे ऑलमोस्ट ना सारे ब्रांड्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे ड्रिंक्स यार नॉर्मल शॉप्स के अंदर ही मिल जाती हैं, एक है गॉडफादर्स पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे ना लिकर स्टोर वगैरह नहीं है, अगर जैसे मैं बता रहा हूँ पूरी मार्केट का, ब्रांड्स ऑलमोस्ट सारे हैं। हाँ शुरू करते हैं यहाँ से। तो ब्रांड्स ऑलमोस्ट ना यहाँ पे सारे हैं, तो ब्रांड्स सारे मिल जाएंगे अपने, इंडियंस भी इधर के भी और इंटरनेशनल ब्रांड। और यहाँ पे लिकर स्टोर वगैरह का एक बहुत सीन अलग देखा कि नॉर्मल से नॉर्मल शॉप पे ना, किराने की शॉप पे तो मैं बियर्स और इवन JD जैक डेनियल्स टाइप की, मतलब महंगी महंगी स्कॉच विस्की वगैरह ना सब मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा फर्स्ट टाइम मैंने देखा, वरना ठेके होते हैं यहाँ तो नॉर्मल किराने की शॉप पे भी तुम्हें सब मिल रहा है। अरे यहाँ पे लॉन्ज कैफे बार सब है, केक लेक बेकरी। मशरूम रोल, चिकन मिनी पिज्ज़ा, सॉसेज रोल, चिकन पैटीज, चोको पुडिंग। मशरूम रोल ट्राई करना चाहूँगा, बड़ा भी नहीं। खाने के आइटम्स बहुत सही है यहाँ पे, लाइक तो यहाँ पे कैफे प्लस हुक्का। पेंटिंग्स लाइक इस स्ट्रीट पे ना एवरी थिंग है, हर चीज़ है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं तो जो वोटिंग है अभी, मतलब स्टिल काउंटिंग है अभी, तो फाइनल रिजल्ट नहीं आया। तो दैट्स वाई यहाँ के जो मेन जो नाइट होती है, क्लब वगैरह और कुछ स्ट्रीट्स हैं
तो जो प्रॉपर थाईलैंड वाली वाइब देते हैं वो भी सब क्लोज की गई हैं। तो जैसे ही रिज़ल्ट आ जाएगा इलेक्शंस का, उसके नेक्स्ट 2 डेज में वो सब कुछ ओपन कर दिया जाएगा। तो मैं वो सारी वाइब तो नहीं दिखा सकता, बट अभी फ़िलहाल यही है। तो लाइक अपना सीपी सर्कल में आता ना, ये पूरी स्ट्रेट है, बट यहाँ पे थोड़ी वाइब अलग है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। फेवा बुक्स, सो लेफ्ट राइट जहाँ भी नज़र जाएगी ना, जहाँ तक नज़र जाएगी, कैफेज, रेस्टोरेंट्स, बार्स, हालांकि तीनों एक ही में होते हैं पर अलग अलग भी हैं। मैं बस मैंने सोचा देखते हैं, तो मुझे किसी ने बताया, मैंने पूछा भी एक भैया से, हॉस्टल वाले उन भैया से, सो दे सेड कि सॉरी भैया अभी वो तो सब क्लोज है तो वो तो ओपन हो नहीं पाएगा, बट आप ये हाई स्ट्रीट पर जाके ऐसे ही थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो, चिल कर सकते हो। मुझे कौन सी पार्टी करनी है, बट मैं चलो घूम लेते हैं सिवान में, क्योंकि जो मेजर अट्रैक्शन है मैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, हम मतलब आने वाले 2 दिन में। अरे वाह, ये सेकंड ऑल्टो देखिए मुझे यहाँ पे, बर्लिन, ये पंजाबी रेस्टोरेंट, ओके। क्या करें, ट्राई करें यहाँ पे, चलो आके ट्राई करेंगे। अभी रिवर्स साइड पे भी जाऊंगा मैं। वन मोर थिंग, देयर इज नो पेड पार्किंग यहाँ पे, ऑलमोस्ट फ्री पार्किंग है, सो यहाँ पे पेड पार्किंग है ही नहीं। मैंने अभी तक जितना देखा है अभी तक ना, दूर दूर तक पेड पार्किंग कहीं भी नहीं है, फ्री पार्किंग है, यहाँ पार्किंग का चार्जेस नहीं है। सही है, हम लोग जहाँ से आते वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दो, 2 मिनट में पर्ची काट के हाथ में दे दी जाती है, ये बहुत सही है। बट ठीक है, कुछ चीज़ें तो अलग होंगी, कंट्री अलग है तो चीज़ें भी अलग होंगी, दोनों चीज़ें कॉन्स एंड प्रोस। ये मुझे ना लाइक अपने यहाँ पे वो एक यार गिफ्ट शॉप होती है ना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, और आर्चिस करके, ये सोल ऑरिजिन करके यहाँ पे बहुत सारे हैं, और यहाँ पे ना स्टोर पे बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं, तो मुझे कई चीज़ें बहुत सही लगी यहाँ पे। तो ये वाला रास्ता ना मैं लास्ट वीडियो में देखा होगा, तो मैं दिन में आ रहा था, तो यही अभी मैं इधर जा रहा हूँ, रात को अलग ही दिख रहा है यार। तो आगे से मैं एक कैफ़े उधर से ना रोड जा रहा, तो मैं वहाँ से निकल जाऊँगा तो लेक साइड पर पहुँच जाऊँगा मैं। बहुत सही है ये, आज हर जगह यार, हर कैफ़े में हो, कहीं भी हो, एवरी फेयर ना, आज फीफा चल रहा है, बस फुटबॉल का ही चल रहा है सारा सीज़न। तो अभी वीडियो में ही बने रहना, कहीं मत जाना। तो अभी जल्दी जल्दी ये वाली स्ट्रीट क्रॉस करता हूँ, उसके बाद में फिर रिवर साइड वाले कैफेज एरिया दिखाता हूँ, वो भी बहुत सही है यार, वो बहुत सही है। एंड ये एक लेक साइड सेंटर है, आई डोंट नो यहाँ से रास्ता होगा क्या, हिमालयन जावा कॉफ़ी, हिमालयन जावा कॉफ़ी। रिवर्स साइड पर नीचे रास्ता है ना, आगे से ओके, थैंक यू। They say, well, back and forth.
यहाँ से रास्ता नहीं है, यहाँ से रास्ता है कहीं से, पूछता हूँ अंकल जी। और रिवर साइड जाना है दिस, और रिवर साइड से यहाँ से रास्ता है क्या आगे से? ओके थैंक यू। मुझे ना बड़ा ऑकवर्ड फील होता है जब मैं किसी से हिंदी में बात करता हूँ, बिकॉज आई डोंट नो कि किसी को हिंदी आती है नहीं आती है। लाइक आज मैं एक अंकल से बात कर रहा था तो वो कहते नो हिंदी, देन आई सेड ओके, तो उन्होंने कहा इंग्लिश में बात कर रहे थे, फिर उसके बाद में अपने आप ही बोले कि हिंदी थोड़ा थोड़ा। तो दो चार बंदे आज ऐसे मिले जिनको बहुत थोड़े, बट ठीक है काम चल जाता है यहाँ पर। इवन बॉलीवुड म्यूजिक भी सुनते रहते हैं यार सारे, अरिजीत सिंह बहुत फेमस है तो। स्क्वायर कैफे, कैफेज बहुत सही हैं, रोड हाउस। एक ये कैफे मुझे कैफे हॉस्टल वाले भैया ने बताया था, ये रोड हाउस जाना, पर मैं नहीं जा रहा यार। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर। और ये स्ट्रीट्स हैं, ये सीधा पोखरा, फिर वो मतलब मेन रोड जो हाईवे उधर की साइड में निकलते हैं। यहाँ यार बहुत लंबा चलना पड़ता है इसलिए मैं जा ही नहीं रहा। यहाँ पे ना पेट्रोलिंग कार्स ना इस तरीके से होती हैं, काफ़ी अच्छा है। मुझे तीन मिले हैं अभी तक ना, ये बहुत सही लग रहा है। सॉरी कैमरा ओके ओके। यहाँ पे बूटा खंड की रेस्टोरेंट, मुझे यार यहाँ का ना लोकल फूड ट्राई करना था वेज में, पर थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ मैं मिलेगा भी नहीं मिलेगा। सो दिस इज फिश, वेज नहीं है आपका? वेज आलू है, वेज मोमो है। अच्छा वेज मोमोज हैं, ओके। थाईलैंड वाली वाइफ, फिश है और पता नहीं सी फूड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, पोक भी है सब है, तो किसी को खाना तो जल्दी से आ जाओ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इसी स्ट्रीट पे मुझे अभी तक यही मिला है देखने को, सारा सी फूड प्लस नॉन वेज जितना भी ना सारा यही मिल रखा है, प्रॉन्स वॉन्स सब कुछ है। ये है इवनिंग का फेवर लेक, इवनिंग का नज़ारा। यहाँ की वाइब अलग ही है, हाई स्ट्रीट अलग है और ये अलग है। लाइक लास्ट व्लॉग में देखा होगा तो ये स्केट वाला, तो ये अलग है। दिन में एक अलग ही नज़ारा, और ये देखो रात को। यहाँ पे थोड़ा ना अलग ही वाइब आती है बिकॉज ऑफ लेक, बट हाई स्ट्रीट पे एक अलग ही डिफरेंट वाइब है, वो भी एक बहुत सही है। यहाँ पे अब मोस्टली मैंने दिन में नहीं देखा। एंड दिस इज जाइंट व्हील, और यहाँ पे मोस्टली सी फूड है सारा ना, बट मैं ट्राई नहीं कर सकता। Okay.
आई विश बट सॉरी ब्रो। तो अभी मैं थोड़ा सा आगे और दिखाता हूँ क्योंकि उसके बाद में फिर अंधेरा है, फिर वो दूसरी साइड चालू हो जाती है। एंड ये देखो यार, मतलब वो लाइट्स का ना इतनी कलरफुल लाइट्स से रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, तो बहुत सही लग रही है। तो उदयपुर लेक का है ना सिटी में, तो वैसे ही थोड़ा सा वाइब आ रहा है। तो ये है नाइट लाइफ पोखरा की। लाइक दिन में दोनों चीज़ अलग, हाई स्पीड और जो स्पीड थी, और ये दिन में दोनों चीज़ें डिफरेंस हैं दोनों में। तो दिन में कुछ और नज़ारा है, रात में कुछ और नज़ारा। करता है।